तो हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग आपका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एटा में, मेरा यूपी में पड़ता है जिला, डिस्ट्रिक्ट एटा ही हमारा पड़ता है गांव। तो ये आसपुर टोल प्लाजा है, आपको दिख रहा होगा पीछे, तो इसी के पास हमारा गांव पड़ता है। तो हम जा रहे हैं बाइक से एटा टू नोएडा, और नोएडा फिर जाएंगे हम दिल्ली होते हुए मानेसर। फिलहाल तो अभी नोएडा के लिए जा रहे हैं, तो नोएडा तक आपको सफ़र दिखाएंगे। और हमारी ये बाइक है एचएफ डीलक्स, तो इसमें हमने टंकी फुल करा ली है और बैग भी हमारा देखो पैक है, तो सारा कुछ पैक कर लिया, बस निकल रहे हैं। और अभी 8 बजे होंगे शायद, 8 ही बज पाए होंगे, तो मुझे दोपहर तक पहुंचना है। तो जल्दी से थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं और थोड़ा थोड़ा रास्ते में शूट करते हुए चलेंगे, जो कि आपको भी मतलब दिखा देंगे कैसे का नज़ारा पड़ता बाइक से। तो यही है आपको टोल प्लाजा, अभी आपको बैक से दिखाते हैं। और अभी कभी नहीं जा रहा, डर लगता है बाइक से जाने में, तो कोई नहीं, आराम से पहुँच जाते, थोड़ा रुक रुक के जाइए, थोड़ा बीच में स्टॉप लेते लेते लेकर पहुँच जाते हैं। हम तो 2-3 बार गए हैं दिल्ली और आए भी हैं, तो आज फिर जा रहे हैं। तो बने रहो इस ब्लॉग में, आपको एंड तक दिखाएंगे जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है दोस्तों। है आसपुर टोल प्लाजा, देख सकते हो आसपुर मरावनी के बीच में टोल प्लाजा है, और इसी के पास पड़ता है हमारा गाँव, तो यहीं हम रहते हैं। तो बस अभी हमारी देखो उसको बाइक भी एचएफ डीलक्स हमारी, तो इसी बाइक से हम जा रहे हैं। हमने टंकी को ना फुल करा ली है जितनी भी, मतलब क्योंकि फुल ही सही रहती है, आधी टंकी पहुंच जाऊंगा मैं नोएडा, क्योंकि आधी टंकी में ही पहुँच जाता हूं लगभग, लेकिन फुल करा ली क्योंकि मुझे वहां से मुझे नोएडा से मुझे दिल्ली और दिल्ली से फिर भी मानेसर जाना है, तो इसलिए मैंने फुल ही करा ली, क्योंकि फिर बीच बीच में क्या फ़ायदा फिर डलवा, इसलिए मैंने फुल ही करा ली है। तो ऐसा ही सीन है, अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये सीन है बस। अब देखेंगे जहाँ जहाँ रुकते चलेंगे वहाँ वहाँ ब्लॉग शूट करते चलेंगे। फिलहाल तो अभी आसपुर टोल प्लाजा पर खड़ा हूँ मैं। तो अभी मैं दोस्तों आ गया हूँ सिकंदरा बाईपास पे आ गया, मतलब सिकंदरा क्रॉस करके आ गया हूँ, इधर है सिकंदरा बाईपास। मतलब ये अभी तक चालू नहीं हो रहा है, इसका साथ रेलवे वाला पुल साथ नहीं बना है, मतलब पता नहीं कुछ कार्ड होगा, तो अभी तक ये बना नहीं है पूरी तरह से जो कि ये चालू हो जाए। तो यही मैं सिकंदरा क्रॉस करके आ गया हूँ और थोड़ा यहीं पर खड़ा हो गया। तो मौसम जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है, हमारे उधर गाँव की तरफ फिर भी धूप निकल रही थी, लेकिन इधर अभी मतलब बादल से काफ़ी छाए हुए हैं, तो ठंडी सी भी लग रही है धीरे धीरे, उधर बारिश भी काफ़ी हुई, देखते पानी भरा हुआ है, तो फिलहाल तो नहीं हो रही बारिश। तो थोड़ा सा रुक गए थे हमें, थोड़ा सा 2 मिनट रुकते हैं उसके बाद चलते हैं, और आप रुकेंगे अलीगढ़ क्रॉस करने के बाद, उसके बाद फिर ब्लॉक से मतलब बीच बीच में स्टॉप लेते हुए चलेंगे जो कि दिक्कत ना हो। तो ऐसा ही है, तो हमारे ब्लॉग में आप एंड तक बनी रही है, और मोट ब्लॉग में बना नहीं रहा हूँ क्योंकि अब माउंट माउंट फंसाऊँगा नहीं छोड़ो, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है, चलिए ऐसे चाहिए, वैसे आवाज़ नहीं आती है माइक में, नहीं बाइक। और ये सिकंदरा बाईपास यहाँ से गया है, लेकिन अभी चालू हुआ है तो इधर से गाड़ी आती है और जाती है, पहला वाला सिंगल रोड है उसी से। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं, अब आपसे अलीगढ़ जाके मिलते हैं, ठीक है अलीगढ़ में जाके उसके बाद यहाँ से मिलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ सिकंदराबाद, मतलब बुलंदशहर से आगे आ गया हूँ और सिकंदराबाद पहुँचने वाला हूँ। बुलंदशहर में थोड़ा मैं लोग आधे घंटा पहले ही आ गया था, आधे घंटे से मैं रुका हुआ था, तो थोड़ा कनेक्शन हमारा बुलंदशहर में ही, मतलब तो वहीं रुका था, आधे घंटे थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और थोड़ा वहाँ घूम भी लिया, तो आधा घंटा मुझे बुलंदशहर मतलब रुके हुए हो गया था। तो अब मैं चल रहा हूँ नोएडा सीधा, क्योंकि अब मैं कहीं स्टॉप नहीं लूँगा, सीधा सिकंदराबाद होते हुए दादरी से सीधा नोएडा, ठीक है। तो यही सीन है, तो पूरा बाहर आ चुका हूँ इधर, तो मैं तो थोड़ा सीन नहीं, थोड़ा सा नहीं ब्लॉग शूट करते हैं। तो ऐसे सीन है, इधर थोड़ी धूप निकल रही है, और उधर खुजा से पहले तो धूप भी निकल रही थी, तो ठंडी सी भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी, तो फिलहाल मौसम सही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप मिलते हैं सीधे नोएडा में आपको। इधर जो है ना, इधर है आम के, देखो आम के पेड़ है, आम का बाग है छोटा सा ये, तो इन पर मतलब फूल आ गया है, मतलब बौर, जिसे बौर बोलते हैं गाँव की भाषा में, तो बौर आ गया है, आम भी छुटने लगे होंगे, थाए तो अगर छोटे 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 लगे होंगे। और ये मतलब रोड बनना है तो काफ़ी ट्रैफिक है, रोड रिपेयर हो रहा है ये दोबारा से, तो ये बीच बीच में बैरिकेडिंग रखे हुए हैं, तो रोड दोबारा रिपेयर हो रहा है ये। इधर है बुलंदशहर और इधर अपना सिकंदराबाद, तो चलते हैं स्टार्ट करके बाइक, देखते हो ये अपनी बाइक है एचएफ डीलक्स, तो उसी से आ रहे हैं हम दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली नोएडा में, सेक्टर 66 में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, तो 65 में मुझे जाना है, 65 में तो प्रॉपर मुझे एड्रेस नहीं पता है, तो बस यहाँ पर 500 मीटर और होगा सेक्टर 65, तो यहीं पर मैं खड़ा हूँ, मुझे क्योंकि मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है, सेक्टर 65 में कहीं है ऑफिस, वहाँ मुझे जाना है क्योंकि मैं जॉब के लिए आया हूँ। तो बात हो रही है, कल जिससे बात हुई थी उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, तो दूसरे जो उनसे मैंने बात की है तो बोल रहे थोड़ा वेट करो, उसके बाद में तो मैं एड्रेस देता हूँ। तो यहीं पर खड़ा हूँ, देखो ये अपनी बाइक है, इधर अपना बैग रखा हुआ है, तो यहीं पर हैं
थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं और थोड़े दिन एम्बुलेंस से रखा था मैं और बाकी का सीधा यहीं पर आ रहा हूँ। और अभी 1 बज चुका है, क्योंकि वैसे मैं और जल्दी आ जाता क्योंकि बाद में आगे इधर लोकेशन भी देखते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि नोएडा में ऐसे कहाँ, उधर तो मतलब बिना ही लोकेशन लगाई सीधे मैं चलाया था हाईवे पर, लेकिन यहाँ पर आके फिर मैंने लोकेशन लगाई तो मैप देखते हुए आ रहा था और आधा घंटा करीब एम्बुलेंस से रुका था, थोड़ा टाइम लग गया वरना मैं यहाँ पर 12:30 बजे तक आ जाता मतलब आधा घंटा पहले। और तो फिलहाल अभी 1 बज रहा है, फिर भी आ गया क्योंकि लगभग 8 बजे करीब मैं निकला था घर से और नोएडा में 1 बजे तक आ गया, काफ़ी सही आ गया। जैसे ही चलिए थोड़ा यहीं पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अभी जैसे ही मतलब कॉल करेंगे जैसे वो एड्रेस आएंगे फिर जाएंगे ऑफिस में, तो थोड़ा यहीं पर बैठते हैं, थोड़ा ना फ़ोन वोन चलाते हैं। तो जिस ऑफिस में हम जा रहे थे ना, तो वो ऑफिस जो है ना बंद हो गई है, तो अब जा मेरे हिसाब से तो मतलब कल ही आना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बंदा था जिससे बात हुई उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा, दूसरे बंदे का नंबर दिया मतलब जो ऑफिस में रहता था, तो वो भी मतलब ऑफिस बंद करके 1 बजे निकल गया था। तो अब जा रहा हूँ बदरू बॉर्डर, वहीं मैं रहता था पहले, आपको पता होगा। तो कल आऊँगा सुबह, देखता हूँ, फिलहाल तो रूम पे चलता हूँ, अभी थक गया हूँ तो आगे रेस्ट करूँगा। तो चलिए बदरपुर भी आके आपको मिलते हैं आपसे। बाइक और ये देखो ये बन रहा है, शायद मंदिर ही लग रहा है, राम मंदिर लग रहा है, पता नहीं कन्फर्म नहीं है। और ये सुपर्नो बिल्डिंग और ये सेक्टर 37 है, अभी मुझे जाना है इस हाई पे ऊपर, इधर ये गया है उधर मतलब बदर बॉर्डर के, मुझे जाना है बदर बॉर्डर दिल्ली में, तो यहाँ से बदर बॉर्डर 10-11 किलोमीटर ही है, तो अभी मैं पहुँच जाऊँगा। बस अभी यहीं पर रुक गया था मिला, थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं। और देखो तो कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं भाई, अभी मैं गाँव से आया हूँ ना, थोड़े कन्फ्यूज ही हो रही है क्योंकि मतलब गाँव में तो रोड खाली खाली मिलते थे, यहाँ से कितनी गाड़ियाँ हैं देख रहे हो, कोई ना थोड़ा हल्की सी जेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगी अपना काम ही है, दिल्ली नोएडा गुड़गांव पूरा NCR एरिया में गाड़ी चलाना। तो चलते हैं रूम पे जल्दी से, थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे चल के।